प्लान बना रखा है 31st बनाने के लिए। दो बोतल चाहिए मेरे, दो बोतल और 2-3 किलो चिकन। रुक जा रुक जा, नो नो, 2023 का आखिरी गिफ्ट है। घर जाओ तो मैं हर्ष गाइड हो गया हूँ। अरे हर्ष गाइड ना हो तो बाजार ही ले ही बनाया बोले मेरे को। वो मामा मे लोग बोलते तेरा यहाँ कला और हेबल यहाँ। और हम कल की प्लानिंग करने जा रहे हैं, कल 31st है ना। ये वीडियो ना 2023 की लास्ट वीडियो है। अब हम लोग आप लोगों को मिलेंगे अगले साल सीधे नए साल में। इसका क्या बना रहे? बेड। तो मिस्टर जी यहाँ पे ना बेड बना रहे हैं। पता नहीं इनका कैसा बेड बनता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देखूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए जी आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पलक और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। भी हमारे गांव में भी अच्छी सी धूप आ चुकी है। धूप आते ही हमारे काम भी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग पर ठंड रहती है तो मम्मी लोग ना मुझे काम करने से मना करते हैं। तो जैसे गाँव में धूप आई, मैं आ चुकी हूँ पीछे वाले खेत पर और यहाँ पर मैं आई हूँ खेत में सिंचाई करने के लिए। यहाँ पर नल पर मैंने पाइप भी लगा लिया है और पाइप को लेके जाना है मुझे सामने वाले खेत पे। और सामने से ना अच्छी सी धूप खेतों में भी पड़ रही है। जब मैंने नल पर पानी देखा था तब तो खूब पानी आ रहा था और जैसे ही पाइप लगाया यहाँ पर पानी की कमी हो गई है। मैंने भी हमारे खेत में यहाँ पर हरी सब्जी बोई हुई है तो पूरे खेत में हरी सब्जी बो रखी है। तो इसमें पानी डालते हैं और उसके बाद ना इसमें हम लोग ना बाद में गुराई भी करेंगे। हेल्प करने के लिए यहाँ पे मिस्टर जी भी आ गए हैं। जैसे मैं खेतों में पानी डाल रही थी ना, अपना भी पीछे से आ गया और मुझसे ना पाइप छीन लिया। क्यों छीना? तो पानी डालने का काम इनको करने देते हैं। और हरी सब्जी में ना बीच बीच में छोटी छोटी वाली घास हुई है तो मैं उस घास को निकाल लेती हूँ। हरी सब्जी में ये वाली घास उगाई है और इस घास को मेरे मायके में वलमार के नाम से जाना जाता है और मेरे ससुराल में ना इसे बडियाव कहते हैं। पहले पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती थी, जब खेत में आती थी मम्मी बोलती थी ये बडियाव निकाल और मुझे पता ही नहीं होता था कि बडियाव किसे कहते हैं, क्योंकि मेरे मायके में तो इसे वलमार कहते ना। तब मुझे बाद में पता चला इसे ही वलमार और बडियाव कहा जाता है। तो आप लोगों के वहाँ इस वाले घास को किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा खेतों का काम भी कंप्लीट हो गया है और अब चलते हैं घर की ओर। हम लोग अभी अपने गौशाले पे आ गए हैं और आज काफी टाइम बाद हमारा गौशाले की ओर आना हुआ। हम लोगों ने यहाँ पे ये तख्ते स्टोर किए हुए हैं तो अभी ना हमें इन्हीं की जरूरत है। इनमें से कुछ तख्ते ना हमें ऊपर ले जाने हैं। क्योंकि सभी फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने कामों पर लगे हुए हैं और मिस्टर जी भी यहाँ पे ना अपना काम कर रहे हैं। और मिस्टर जी यहाँ पे ना जो नीचे से तख्ते लेके आए थे उनकी कटिंग कर रहे हैं। इसका क्या बना रहे? बेड। तो मिस्टर जी यहाँ पे ना बेड बना रहे हैं। पता नहीं इनका कैसा बेड बनता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देखूंगी। कैसा बेड बनेगा अभी देखना, जब बन जाएगा। जब बन जाएगा ठीक है। तो मिस्टर जी यहाँ पे ना बेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये मिस्त्री बन चुके हैं और ये बेड किसके लिए बन रहा है आप लोगों को ना बेड बनने के बाद ही बताएंगे। ठीक, चलो फिर बनाओ फटाफट फटाफट। नमन की यहाँ पे मालिश भी हो गई है और आजकल हमारा नमन ना बहुत शैतान हुआ है। मिस्टर जी ने बेड भी बना दिया है और ऐसा बेड ना आप भी पहली बार देख रहे होंगे और मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। तो ये बेड बनाया हुआ है गोल्डी के लिए। वैसे तो हम लोग गोल्डी को ना सोफे में सुलाते हैं लेकिन वो सोफे में रह नहीं रहा है, वो बार बार जमीन में आ जा रहा है और जमीन से ना उसे ठंडे लग रहा है। इसलिए हम लोगों ने सोचा तख्तों के बेड बना देते हैं और इस पर ना अब उसका बिस्तर लगेगा। और बिस्तर लगाने से पहले ना एक बार उसको नहलाते हैं। और अभी ना गोल्डी गायब हो चुका है। जैसे उसने अपने शैम्पू का डिब्बल लाते हुए देखा ना, उसने दौड़ लगा दी और फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है वो। पता नहीं क्यों आज नहाने से क्यों डर रहा है। मम्मी ने यहाँ पे पानी भी बना लिया है और गोल्डी को हम लोग ना ठंडे पानी से नहीं नहला रहे हैं, हम लोग इसे ना गुनगुने पानी से नहला रहे हैं। गोल्डी नहाता है ना, मैं उसका बिस्तर तैयार कर देती हूँ और नहाने के बाद ना वो हमेशा दरी या कम्बल में खुद को पोंछता है। तो आज मैं कम्बल को ना इसमें बिछा के देख रही हूँ, देखती हूँ वो इसमें पोंछता है नहीं पोंछता है ऊँचे ऊँचे में। और अभी यहाँ पर गोल्डी ना मम्मी को ना मस्त तरीके से नहलाने दे रहा है और फर्स्ट टाइम ना आज ये भागा तो हमने सोचा ये नहाने से भाग रहा ना मम्मी। रुक जा रुक जा, नो 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 बोल के नहीं सुन रहा है आजकल। पट्टा खोल रही, फिर करना बोल रही हूँ, पट्टा दो दूंगी ये।
हमारा गोल्डी ना बेड में नहीं सोया, बेड में वो बिल्कुल भी नहीं गया, तो कंबल ना नीचे बिछा दिया और नीचे ना उसने खुद को साफ भी कर लिया है। और अब नहाने के बाद इतना ज्यादा खुश हो गया, अब खेलने को बोलता है। हमारा गोल्डी भी यहाँ पर अपने बेड में जा चुका है और इसमें ना वो ज्यादा खुश नहीं हुआ है अभी, क्योंकि उसे ना अभी आदत नहीं है, बाद में आदत हो जाएगी जब, तो वो इसमें जाने में ना काफी ज्यादा खुश होगा। आज गोल्डी की ना नई नई भी हो रखी है और अब गोल्डी ना सीधे अगले साल नहाएगा, इस साल नहीं नहाएगा ना गोल्डी, अब मैं सीधे अगले साल नहाऊंगा बोल। चलिए जी, हमारा लंच भी हो गया है और लंच करने के बाद ना मम्मी लोग चले गए हैं उस साइड को और वहाँ पर ना सारी औरतें बैठी हैं, तो अभी ना देवरानी जी और मैं भी जा रहे हैं और काफी टाइम बाद ना हम लोग ऐसे गाँव की औरतों के साथ बैठने जा रहे हैं। और मिस्टर जी को ना हमने घर पे बिठाया है नमन को देखने के लिए, है ना, और हम कल की प्लानिंग करने जा रहे हैं, कल 31st है ना, तो पार्टी करेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि गांव में ना औरतें मिलके ना पार्टी करते हैं करके, तो और लोगों से भी डिस्कस करते हैं ना। आप अपने अपने काम पर लगे हैं, अम्मा बैठी हुई है, उमा मामी बिनाई यहीं पर कर रहे हैं, मम्मी कंघी लेके यहीं पर, घर में नहीं बनाए जा रहे बाल। उमा मामी लोग बोलते तेरे यहाँ कला और है बल, यहाँ जो क्यों पढ़ रहे तेरे तेरे छाई पढ़ रहे बल, बचाने तक तो तेरा मुँह ही पूरा हो जाता है बल। मुँह जो अरे दिखने से वही कल ज्यादा दिख रहा था, ऐसे ही था यार, कल ज्यादा दिख रहा, कभी कभी वो दिख रहा होगा, फिर नहीं पड़ रहा है, अब वो चाहे जी हाँ यहाँ काला हो गया, तो मुझे तो नहीं आ रही फिर लंगूर की तरह क्या पता अभी लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो मैं एक राउंड ना नमन को देख के आती हूँ कि कहीं वो उठा तो नहीं है करके, इससे पहले देवरानी जी आए थे और अभी मागी जी ना अभी भी यहीं पे बैठे हैं, नमु सोया है, मन अभी भी सोया हुआ है, तो अभी ना मैं फिर से वहीं पर चलती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मस्ती मजाक चल रही है और मेरा भी ना टाइम पास हो जा रहा, अच्छा भी लग रहा है ताई जी लोगों के साथ बैठ के। प्लान बना रखा है 31st मनाने के लिए, दो बोतल चाहिए मेरे लिए, दो शो हो जाएगा, दो बोतल और 2-3 किलो चिकन। बोतल तो मैं दे दूंगी, बोतल दे, मेरे पास बहुत पानी के बोतल, कोल्ड ड्रिंक के बोतल खाली पड़े हैं, बिस्लेरी वाली बोतल होगा ना, फिर नाचेंगे जूमिंग गे। आप तो ना बस लोग होने चाहिए, गाना लगेगा, नशे में वैसे ही झूम जाओगे, नशे में वैसे ही झूम, मैं तो वैसे ही झूम जाती हूँ, कौन नशे होने तो अब तो देर हो दिए। क्या कर रहे फिर पार्टी आप? पार्टी क्या करते हैं, तुम्हें लोग बनाओ प्लान, तो डिस्कस करते हैं फिर बताएंगे आप लोगों को फाइनल डिसीजन क्या होता है करके। आज ना मम्मी की छुट्टियां ना यहाँ पर देवरानी जी ने बनाई है और आज ना फर्स्ट टाइम मम्मी ने हेयर स्टाइल बना रखा है, तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा, अच्छे लग रहे हो, इधर इधर हो, इधर हो, फिर छा गई नहीं दुल्हन, ये जुल्फे थोड़े जुल्फे निकाल लो फिर ऐसे करके, ये बुती है के बनो को जुल्फे निकालो को, ये शाम भी होगी है और अभी हमारी तैयारी होगी अब घूमने जाने की, तो देवरानी जी तो घर पर ही रहेंगे क्योंकि नमन सोया हुआ है और उसे ना अकेले छोड़ भी नहीं सकते, तो उसे देखेंगे, है ना, इधर उधर जाना बंद कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद मेरी बारी और ये जा सकते हैं ना, बारी बारी सबकी प्यारी बोलते हैं, तो ये घर पर रहेंगे, बाकी मिस्टर जी ना रोड में मेरा वेट कर रहे हैं, तो हम लोग घूम के आते हैं, ठीक है, बाय। गाइस आज हम लोग ना वॉक पे ना दूसरी जगह पर आ रखे हैं अपने गांव के इस साइड को, जहां हमारा ना पालवगर वाला खेत है, तो काफ़ी टाइम बाद ना आज मैं ऐसे वाले रास्ते पर चल रही हूँ, रोड रोड ही तो ना मैं रोज़ ही चलती हूँ, तो ऐसे वाले रास्तों में भी चलना चाहिए जहां पर कहीं पर चराई हो और कहीं पर डाउन हो, और काफ़ी टाइम से ना मैं अपने खेतों की ओर नहीं गई थी, तो मैंने सोचा खेतों की हालत क्या हुई है वो भी देख के आते हैं और साथ में वॉक भी हो जाएगी। मैं
काफी टाइम बाद ना इस वाले रास्ते पर आ रही हूँ। लगभग ना 4-5 महीने हो गए होंगे। 4-5 महीने पहले मैं इस साइड को आई थी और तब से ना मैं इस साइड को नहीं आई हूँ। तो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। जब मैं यहाँ पर आई थी तब एकदम हरी भरी घास थी, हरियाली थी, लेकिन अभी ना खेत भी सूख चुके हैं और आजकल ना गाजियों वाला घास भी नहीं है। और मुझे ना पुरानी बातें भी याद आ रही है। पुरानी जी, सासू जी और मैं ना यहाँ पर गोबर पहुँचाने आते थे पाल बगर खेतों की ओर, लेकिन जब से नमन हुआ और देवरानी जी प्रेग्नेंट हुए फिर धीरे धीरे उनका आना इस ओर को छूट गया था और धीरे धीरे करके ना मेरा भी छूट रहा, क्योंकि बीच में ना गंदा वाला रास्ता आता ना, इसी वजह से हम लोग इस साइड को नहीं आते हैं। लेकिन आज मेरे मिस्टर जी मेरे साथ थे तो मैंने सोचा इस साइड को जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखा नहीं था ना और अच्छा भी लग रहा है। आज मैं इस साइड को घूमने आई और मुझे यहाँ से ना सामने हमारे गांव की सभी महिलाएं दिख रही हैं और शायद ये 31st की पार्टी आज ही करने लगी है। स्टार्टिंग हमने की थी पार्टी करते करके और ये अकेले अकेले आगे वहाँ पे देखो आग भी जला रखी है, मस्त करके आग भी सेक रहे हैं और सारी महिलाएं हैं और उनके साथ ना हमारा गोल्डी भी है। देखो गोल्डी भी वहीं आ रखा है, इन्होंने मेरे को नहीं बताया। तो अब ये दिख चुके हैं ना, तो अब हम भी ना वहीं जाते हैं और देखते हैं ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं करके। हाँ, गोल्डी ने हमें देख लिया है और वो ना हमारे पास दौड़ के आ गया। कहाँ आया था तू, कहाँ आया यहाँ? ताई जी का कॉल आया था और ताई जी बोल रही थी मैं मनाली गई हूँ और ताई जी का मनाली यहाँ आज पता चल रहा है। मनाली तो आ गई मैं। आज सारी महिलाएं क्यों हुए हो यहाँ पे? 31st मनाने के लिए प्रोग्राम चल रहा है यही घर पर नहीं हो रहा था प्रोग्राम कहाँ घर में, किसी के सास, किसी के ससुर, किसी के बच्चे, वो मौका ही नहीं मिल रहा था बात करने के लिए, तभी इधर आ गए। तो अम्मा बुबू देखेंगे आप ना, आप देखेंगे। हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुई है क्योंकि हमारा जो जंगल है ना, हमारे गांव का जो जंगल है वहाँ पर ना बाहर गांव के जानवर लेके आ रहे हैं, यानी बकरी वगैरह ना हमारे खेत में चरा दे रहे हैं, तो हमारा खेत का घास वगैरह ना खत्म हो रहा है। इसलिए सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हो रखी है जिनकी भी वो बकरी है उनसे बात करने के लिए। तो अभी ना वो लोग नहीं आए हैं इसलिए वो लोग ना उनका इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर ठंडा भी हो रहा ना इसलिए उन लोगों ने आग जलाई है। और आप लोगों को तो पता ही है, मतलब जो महिलाएं हैं सभी को पता होगा जहाँ पर दो इकट्ठा हो जाए फिर यहाँ तो इतने सारे वहाँ पर बातें भी चलती है, सब चीज़ हो जाता है, उसके बाद भूल ही जाते हैं घर में क्या करना करके। तो सभी लोग ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब तक हम लोग आगे को चलते हैं और अपना ना घूमी घूमी करते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है तो मैं इस प्यारे सी लोकेशन पर ना यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर जो पेड़ है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर रेस्ट किया और अभी हमारी तैयारी होगी अब घर की ओर जाने की। और आज हमारी ना सबसे ज़्यादा लंबी वॉक हुई, आज तक हम लोगों ने ना इतनी ज़्यादा लंबी वॉक नहीं की। हम लोग अपने गांव की रोड से ना दूसरे गांव की रोड पर आ गए हैं। हम लोग रहते हैं कर्मी वाली रोड पर और ये वाली रोड है भगर ढोकटी गाँव की ओर जाने की। तो अब हम लोग चलते हैं घर को। हम लोग तो अभी भी यहाँ पर उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी बकरी गाय वगैरह लेके अभी तक आए नहीं है, वो हमारे खेतों के साइड ही है तो उनका इंतजार कर रहे हैं। और आज ना उनकी क्लास लगने वाली है क्योंकि वो कर भी तो वैसे रहे, काफ़ी टाइम उनको वार्निंग दे दी है लेकिन वो मान नहीं रहे हैं और बार बार ना हमारे जंगल में ही लेके आ रहे हैं, ऐसा मुझे ना मम्मी ने बताया है। हाँ, सो गाइस फाइनली हम लोग अपने गांव के रोड में भी पहुंच चुके हैं और आज मैं ना सच में काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। डाउन में जाते टाइम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है लेकिन चढ़ाई चढ़ते टाइम ना आफत आ जाती है, तो अभी भी मेरे साथ वैसे ही हो गया है। अब तो ऐसा लग रहा कब घर पहुँचूँ, कब टन लेट जाऊँ करके, पाँव में ना इतनी ज़्यादा दर्द होगी। अब हम लोग भी घर पर पहुंच गए हैं और देवर जी भी दुकान से आ चुके हैं और देवर जी ने ना देवरानी जी को सरप्राइज दिया है। क्या दिया? चप्पल 2023 का आखिरी गिफ्ट है और नए साल का गिफ्ट पता नहीं क्या मिलने वाला है, वो आप लोगों को आगे को पता चल ही जाएगा। तो अब ना देवरानी जी खाने की तैयारी करेंगे और मैं रहूँगी नमन के पास। तो आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं और ये वीडियो ना 2023 की लास्ट वीडियो है। अब हम लोग आप लोगों को मिलेंगे अगले साल सीधे नए साल में। तो आप लोग ना हमें नए साल की बधाइयाँ देंगे, उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ओर से भी आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा होता। और एक बात और, जब से नमन हुआ है ना तब से मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को गिफ्ट देने का मतलब वो कर रखा है, शुरू कर रखा है, पहले नहीं देते थे। मुझे भी मिलेंगे फिर शायद ना। स्टार्टिंग तो पहले कोई नहीं देता है, खुश लाने के लिए मिलते हो आजकल। हमारी ओर से ना आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का साल बहुत अच्छा बीते, उम्मीद करते हैं 2023 का साल भी आप लोगों का बहुत अच्छा बीता होगा और आने वाला 2024 भी ना आप सभी लोगों का बहुत अच्छा जाए, है ना? और और हमारा भी अच्छा जाए।
आप लोग हमारी वीडियोस को ना ऐसे प्यार देते रहो नए साल में भी। हाँ, और विश करना ना कि मतलब ना 2024 में सब चीज सही रहे, 2023 में भी हमारे फैमिली में एक नया मेंबर आया नमन, और 2024 में भी ना एक नया मेंबर आने वाला है, है ना, आने वाला है, आने वाली जो भी है, मतलब काफी ज्यादा खुशी हो रही है हमें दोनों साल में अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले। और थोड़ा थोड़ा गंदा वाला भी हुआ, फेसबुक भी हैक हुआ, भैया लोगों का भी हुआ स्टार्टिंग में, और लास्ट में मेरा हुआ ना। 2023 की स्टार्टिंग में इनके चैनल का हुआ और 2023 के लास्ट में मेरा हुआ, बट कोई नहीं, इन चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं, अच्छी चीजें याद रखनी चाहिए ना। तो आज की इस वीडियो को आप इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। महीनों मिलती हूँ आपको जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।